हाँ अजय प्रकाश बोल रहा हूँ सर, जनजवार से। हाँ जी, मतलब जानकारी ये चाहिए कि अगर मान लीजिए कि मृतक शरीरों को गंगा में बहाया जा रहा है या उन्नाव में दफन कर दिया गया। जी हाँ, तो वायरस जो अगर कोई संक्रमित है और उसको बहा दिया गया पानी में, तो मछलियां अगर खाती हैं, लोग गंगा में नहाते हैं, जानवर पानी पीते हैं, कितनी देर असर रहता है और उससे क्या दुष्परिणाम है? देखिए, मैं कोविड के लिए बहुत चिंतित नहीं रहूंगा। हाँ, क्योंकि ये तो डेड बॉडी है। हाँ, जो वायरस श्रेड करती है बॉडी बाहर निकालती है, वो जीवित बॉडी निकालती है। अच्छा, और जब शरीर मर जाता है जी, तो साथ में उसके वायरस भी मर जाता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए उसको खाना पीना चाहिए शरीर में। ठीक बात है। तो मैं ज्यादा चिंतित रहूंगा जी कि जो बॉडी डिके होती है, सड़ती है, हाँ, उससे और तरह के इन्फेक्शन होने का भी डर होता है जी, क्योंकि अगर उसको नहीं ठीक से डिस्पोज ऑफ करते हैं। अच्छा, ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ हजारों साल पहले था। हाँ, क्योंकि उस समय लोगों के पास साधन नहीं होते थे, तो बहा देते थे। अच्छा, बह के वो चली जाती थी। हाँ, और मछलियां वछलियां मिल मिला के सब खा पी लेते थे शरीर को जी। लेकिन अब ये एक हाइजीन का विषय बन है, बहुत सीरियस जी। दूसरे जो गंगा में पानी वानी है जी, और जिस नदी में, तो उतना फ्लो नहीं होता आजकल बहुत जितना होना चाहिए सब जगह। तो वो कई बार एक एरिया में स्टेग्नेट कर जाता है। हाँ, वो लग गया है, जैसे बक्सर की जाके जिले में किनारे किनारे लग गया है नदी किनारे। हाँ, किनारे लग गई है। तो अब वो उसमें वहाँ पे स्टेग्नेंट वाटर है। दूसरे हम ये भी जानते हैं कि डायरेक्ट आजकल पानी नदियों से लेके कोई पीता नहीं है आमतौर से। जी जी, तो वो उस, क्योंकि वो पियेंगे तो फिर और बीमारी होने की, और तरह की बीमारी होने की भी संभावना है, चाहे कोविड हो ना हो जी। और नहीं, गांव के किनारे जो आबादी रहती है, गांव के किनारे वो नहाती है, जैसे किसी ये घाट नहीं होता। हाँ, नेचुरली नहाने वाला जो वो है उसमें तो इतना समस्या नहीं है, लेकिन अगर नेचुरली बॉडी वहाँ पड़ी होगी तो कोई नहाएगा भी नहीं जी। उस दौरान तो नहीं नहाएगा कम से कम। हाँ, तो वो हाइजीन का इश्यू तो है ही है नेचुरली, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक संक्रमण कोविड वाला है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा, मैं नहीं समझता लोगों को बहुत चिंता करना चाहिए। बाकी कुछ अखबार जैसे लिख रहे हैं कि उन्होंने एक्सपर्ट से बात की, हालांकि नाम बहुत नहीं लिखा है, वो लिख रहे हैं कि 1-1.5 घंटे तक जीवित रहता है, लेकिन हालांकि जब फेंका गया होगा तब तक तो 1.5 घंटे। ये शरीर तो बहुत घंटों बाद पकड़े जाते हैं जी, ये 1 घंटे में तो पकड़े ही नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, पकड़ नहीं लेंगे, जिसको फेंक रहा है उसको पकड़ लेंगे। ठीक बात है। तो ये बात है। दूसरा सर, उन्नाव में दफन किया गया है, तो कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से, मतलब जो जानकारियां आती हैं उसमें ये कहा जाता है कि जलाना आवश्यक है, तो उनको 3 फीट मात्र में दफन किया गया है। हाँ, नहीं, अब इसमें देखिए, ये 3 फीट तो बहुत कम है। हाँ, और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इसमें जहाँ पर भी ये हो रहा है फिनोमिना, हाँ, वहाँ आसपास राज्य सरकारों को इनके संज्ञान में ये लाया जाना चाहिए। और अब ये समय आ गया है भारत में कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम सब जगह बने, बिल्कुल, जिससे आप अगर किसी ने भी फेंका है, चाहे वो किसी भी का भी हो, हाँ, उसको आप इलेक्ट्रिक उसमें फर्नेस में जला दो, बिल्कुल, तो आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा उसमें। फिर कोई संक्रमण का चक्कर नहीं है, कोई नहीं है, डालो और काम खत्म करो, कोई लकड़ी भी नहीं चाहिए आपको। और ये तो भारत में ये चलन तो बढ़ना ही चाहिए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम का, जो ये इस पेंडेमिक से कम एक सीख तो हम यही ले लें कि लकड़ियों की बजाय इलेक्ट्रिक जो क्रेमेटोरियम है, जैसे लोधी रोड पे है दिल्ली में, जी बिल्कुल हर जगह है, तो इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। वो बहुत हाइजीनिक है और उससे आपकी अस्थियां भी और आपकी राख भी मिल जाती है, जो आप विसर्जित करना चाहें तो कर सकते हैं टोकन, और उससे हाइजीन है, गंदगी नहीं है, दूसरे जंगल नहीं कटेंगे, आपके लकड़ी बचेगी। बिल्कुल, ये भी संकट भी सर यही हुआ है कि जो लोग भी मृत हुए हैं, जिनके परिजन, और वह अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर संख्या बल में कम है,
तो उन्होंने अस्पतालों में लाशों को छोड़ दिया है और उत्तर प्रदेश के दैट्स ओके तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सरकार को इस चीज का वो लेते संज्ञान लेते हुए सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रिक क्रमेटोरियम बनाए, बड़े और छोटे दोनों तरह के, जिससे जो हम डेड बॉडीज को जला सके। बिल्कुल, और ये जो मैं पूछ रहा था सर, ये जो 3 फीट वाला है, इससे कोई संक्रमण का खतरा नहीं, संक्रमण का खतरा कोई मृत शरीर में? खतरा तो खतरे की बात नहीं है, वो तो टिके हो जाएगा, दो एक महीने 15 दिन में बॉडी वो हो जाएगी। लेकिन मान लो कोई जानवर आके उसको खोदने लगा, ठीक बात है, बिल्कुल, तो एक्सपोज कर देगा, तो और अच्छा नहीं है, किसी ने किसी वजह से हो जाए, तो इसको याद गड्ढा जरा ज्यादा करें वहाँ पे और उसमें डालते जाए और एक एक के ऊपर थोड़ा सा कुछ वो डाल दे, केमिकल डालते जाए, ठीक है ना जी, तो जिससे कि वो एक एक शरीर के ऊपर पड़ गया, फिर उसके बाद दूसरा डाल दो, तीसरा डाल दो, आप 10 फीट खोद लो, 12 फीट खोद लो, उसमें 3-4 बॉडी एक ही में डाल दो जी, ये कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया बातचीत के लिए और जानकारी के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद।